सामईन हजरा, ये प्रोग्राम रियाजुद्दीन कादरी की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। दूसरी हदीस मुस्तवाद के हवाले तफसीर नईमी जिल्द 1 सफा 37 और 30 पर है। पैगंबर आजम रसूल आजम नबी आजम बानी सलाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोकर उठे नींद से बेदार हो तो ये दुआ पढ़ लिया करे, आऊज़ो बे कलिमतिल्लाहि तामते मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह तआला ने वो फरमाते कि मैं समझदार बच्चों को हिफ्ज कराता था, दो याद कराता था। समझदार बच्चे जो होशियार है होशमंद उन लोग को ये दुआ हिफ्ज कराता था, उनको याद कराता था। और जो नाबालिग बच्चे छोटे बच्चे हैं, अब नाबालिग में जब तक उसको नाक फलना है पहली बार वो नाबालिग में शुमार है। छोटे बच्चे को गले में ये तागीज लिख कर उससे गले में डाल दिया करते हैं। ये हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह तआला फरमाते हैं। और जो इंसान इस दुआ को पाबंदी से पढ़ेगा सो का उठे पढ़ दिया करे, कोई काम कर सकता, आप भी कर सकते, हम भी कर सकते हैं। जब हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ये काम कर रहे हैं तो हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। वो समझदार बच्चों को हिफ्ज कराते थे, तो आप लोग भी चाहे तो जुमा की दिन बयान किया जा रहा है आप याद कर सकते हैं। अगर इससे भी याद ना तो आप यूट्यूब के जरिए याद सब कर सकते हैं, आपको बेशुमार दुआएं मिल जाएंगे। उसके फिल्म क्या है, उसे पढ़ने से फायदे क्या है। तो इंसान अगर इस दुआ को पढ़ता है सुबह उठा ये दुआ पढ़ लिया करे, औजु बिकलिमतिल्लाह तामते मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून। जिन्नात से इंसान में जो शरारत करने वाला उससे वो अल्लाह के गजब से वो महफूज रहेगा, बचा रहेगा। अल्लाह इंसान अगर पढ़ता है इन तीन चीज से वो बचा रहेगा, और अल्लाह अपने फल से अगर दुआ कबूल कर लिया तो उसको बचा लेगा। अब आइए बिस्मिल्लाह का मतलब कुछ बातें आपके हवाले। अल्लाह तबारक व ताला का नाम 3000 है, कितना है 3000 है। 1000 तो सिर्फ मलाइका जानते हैं, 1000 जो है तमाम अंबिया-ए-किराम जानते हैं, और 1000 जो है वो आपको 300 तौरात शरीफ में मिल जाएगा, 300 इंजील शरीफ में मिल जाएगा, और 300 ज़बूर शरीफ में मिल जाएगा, बचा 100। तो 99 नाम कुरान मुकद्दस में है, और 1 नाम जो है वो रब तबारक व ताला जानता है। ये आपको तफसीर किताब में तफसीर नईमी से बोल रहा हूँ, तफसीर कबीर है, तफसीर की बेशुमार किताब है, तफसीर अजीजी है, रूल बयान है, यानी बेशुमार किताब है। मुफस्सरीन कुरान पे तफसीरा करते हैं, अपने हिसाब से वो तरी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के 3000 नाम है, 1000 तो मलाइका जानते हैं, और 1000 अंबिया किराम जानते हैं, और 1000 में 300 आपको तौरात शरीफ में इंजील शरीफ में और जबूर में मिल जाएंगे। 100 बचा वो आपको कुरान मुकद्दस से, अब जैसे कुरान शरीफ खोलते हैं तो उसमें 99 नाम अल्लाह तआला का लिखा रहता है, और आप इसे जानते हैं। किसी किसी कुरान शरीफ का मतलब ही लिखा रहता है, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या हुआ, और किसी में नहीं रहता है, और 1 नाम वो अल्लाह तआला का लिखा रहता है। लेकिन जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा, ये 3000 जो नाम रब तबारक व तआला का है, लेकिन जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा वो 3000 नामों में शामिल है। आप एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, 3000 जो रब तबारक व तआला का नाम है आपको इसमें अपना सवाब दिया जा रहा है, और आपको काम करो। अब आइए इस बिस्मिल्लाह का जब नुक्ते मुफस्सरीन लिखा है, कई नुक्ते बयान किए आपके हवाले करता हूं। एक नुक्ता यह है कि जो सरकारी सामान होता है उसमें सरकारी कानून भी लगा हुआ है कि लोग डर से चोरी ना करें, और एक अगर इंसान एक किस मुल्क का सरकारी सामान है अगर चोरी भी करता है तो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहा है। तो जब हम इंसान हम और आप कोई काम जायज काम करें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, इससे यह होगा कि ये निशानदेही हमने अल्लाह का नाम ले लिया है, अभी अल्लाह के निशानदेही में उसकी हो गया। अब कोई शैतान इबलीस हो या इब्ने इबलीस हो आप पे डाका नहीं डाल सकता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान कही जाती है, इसलिए कि जब इसका आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होगा। दुकानदार सुबह में जो पहली बिक्री करते हैं उधार नहीं करते हैं कि भर उधार चलेगा, नगद लेते हैं, इसलिए भर दिन नगद हो। तो उसी तरह हम कोई भी काम जायज काम करें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पहले पढ़ लिया करें, और एक बार हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं आपको 3000 जो रब तआला का नाम है आपको उसे सवाब दिया जाता है, और उतना फायदा आपको मिलेंगे। तो प्यार रसूल के प्यार दीवाना, हम और आप कभी भी बिस्मिल्लाह कोई जायज काम करे तो पहले अपने
रब्बुल अबाब का नाम ले ले। एक साहिल मांगने वाला जो जाता किसी के दरवाजे पर, तो जिसके दरवाजे पर गए उसकी तारीफ करता है, खूब देने वाला बादशाह ये है फला, अपने जैसा बोलता है वो, क्यों? कि वो अगला खुश हो जाए और हमको कुछ अता कर दे, या इतना ले हमारा दिल खुश हो जाए। उसी तरह हम और आप कोई काम जो करते हैं तो पहले वो शेर ये है दोस्तों कि सब कुछ तो मयसर है मगर शाद नहीं। बच्चे शोरों गुल्ला करे, सब कुछ तो मयसर है मगर शाद नहीं, जो दिल याद इलाही से आबाद नहीं, और हम तादाद में कम है हमें कमजोर मत समझो, क्या बदरी की तारीख तुम्हें याद नहीं। तादाद में कम है कमजोर मत समझो, क्या बदरी की तारीख तुम्हें याद नहीं। आइए हम और आप सब लोग मिलजुल कर उस रसूल हाशमी की बागा में दौड़ों की डाली पेश करें, जिनके समातों का यालम के दूर और नजदीक के सुनने वाले वाकान काने लाले करामत पे लाखो सलाम, जिसकी शान और अजमत और रिफत का हाली है तो जिसके माथे शफात का सेरा रहा, उस जमीने सारत पे लाखो सलाम, जमाना कान खुल के सुन ले मेरे नबी का कुव्वत और ताकत का हाली है, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया मुझे भरे समात पे लाखो सलाम, सब लोग उन्हें पाको है अल्लाह पर सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मद अदद मा फी जिल्लाह सलात अल्लाह व तब जवाब दिया सलात व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार आओ उसूल बरकत के लिए पहले पहले नात को शेर समात कर ले, कि जो इश्क नबी में गिरफ्तार हो गया, जो इश्क नबी में गिरफ्तार हो गया, दोनों जहां में साहिब किरदार हो गया, और दरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, अल्लाह के हबीब का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, दरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, अल्लाह के हबीब का दीदार हो गया। एक और हो दे पाक अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद अदद मा फी जिल्लाह सलातु अल्लाह व सलामु अलैका सलातु व सलाम अलैका या सैयदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।